बाबा हाँ अचानक क्यों दोपहर के धूप में चद्दर ओढ़ रखा है चोर जैसा नंद गोपाल चल रहा है चोरी चोरी छुपा के रखा है चद्दर के अंदर नकाब आज की रात अंधेरे में सबक सीखेगा गोपी आने के सामने खड़े होके गोपी हंस क्यों रहा है अजीब वस्त्र पहन के गोपी मुंह पे पोत रहा है कालिख ऐसे करके उछल कूद कर जब वो घर से निकल पड़ा नंदू कैसे डर जाएगा हंस रहा है सोच कर आधी रात को भूत जैसा जंगलों के बीच कौन है बुद्धि लगा के नंद गोपाल मुख में मुकुट पहने है गोपी आए ना इधर वो घूम के नंद गोपाल भय दिखाएगा प्राण जाएगा उसका उड़ वहाँ कौन है जिसका शक्ल छुपा है मूंछों के बीच में पतला गोपी घूम रहा है जंगलों झाड़ में नंदू जब घर के रास्ते से आएगा पेड़ के पास मारो मारो बोल कर गिरेगा वो उसके कंधे पे नंद चले धीरे धीरे एक दो कदम आगे टक टक करे चले गोपी सावधान होकर आगे झाड़ों के बीच से जब वो गया देखने दोनों एक साथ आ गए एक दूसरे के सामने दोनों गिर पड़े गोपी ने कहा मार 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 गोपी छोड़ के नंदू गिर पड़ा नकाब लग गया उसको दांत गोपी को लग गया बुखार डर के मारे 104 गांव के लोगों ने दौड़ के बुलाया जाके डॉक्टर को कोई हंसे कोई रोए इन दोनों का नाटक देखकर नंदू गोपी का किस्मत खराब अंत हुआ ऐसे देख के उन दोनों को सभी हंस पड़े लोट पोट कर नंदू बोल गोपी हमारा रोज रोज का ये झगड़ा झमेला गांव लोगों को अच्छा नहीं लगता हाँ सभी परेशान हो गए हैं परेशान हम लोग झगड़ा करके एक दूसरे को डरा कर मर रहे हैं और वो लोग देखकर मजे ले रहे हैं नहीं और नहीं नंदू और गोपी अब से दुश्मन नहीं है दोस्त है जिसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड आज से हम दोनों को देखकर कोई नहीं हंसेगा बदले में हम लोग दुखी लोगों को हंसा देंगे वो शैतान पुसी हम लोगों को सैंडविच में मिर्ची खिला के हम लोगों को अच्छा सबक सिखाए जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी मैं बदला लेकर रहूँगा मुझे भी तो यही टेंशन रहता है कि डिक और पुशी को कैसे भी सबक सिखाना है चलो मेला घूम कर आते हैं चलो चलो ठीक बोल रहे हो चलो मेला ही घूम के आते हैं जादुई बंदूक ले जाओ जादुई बंदूक ले जाओ जादू वाला बंदूक ये क्या है चल जाके देखते हैं खिलौने वाले जादू वाला पिस्टल दिखाओ जरा मुझे सच में इस
जादू वाले पिस्तौल में जादू है। अरे अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुन 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 मेरी बात। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। चल जल्दी चल, सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। चल 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 चल। ए पुसी, तू लड़ सकता है बंदूक से? हाँ हाँ आता है, लेकिन बंदूक रहेगा तब ना। बंदूक मेरे पास है। ए, 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 ले 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 ले, ए, तेरा है और ए, 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 मेरा है, ठीक है? लड़ने के लिए तैयार है तो? तैयार हूँ। 1, 2, 3 लेट्स गो। चल चल चल, भागते हैं यहाँ से, भाग। ये क्या, ये तो तेरी बेइज्जती कर दिया, अब क्या करेगा तू? मौका मिलेगा तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। वो देखो लुशी और डॉम आ रहे हैं इधर ही। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। ओए ओए ओए, मेरे केले क्यों ले लिया? हाँ रखो रखो, हाथ मत लगाओ मेरे केले में, ठीक है? रखो 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 रखो। खाऊंगा इसलिए। पहले पैसे दो फिर केले खाओ। रुको ना, दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा दो फिर केला खाओ, समझे? रखो केला रखो। हाँ ठीक है, ये लो। शैतान बदमाश, मेरा मेरा फल वाला ठेला तोड़ दिया है तूने, हाँ? मेरा नुकसान कर दिया है तू, कौन नुकसान भरेगा यार? हाँ रुक रुक रुक। मैराथन के दौड़ में जो प्रतियोगिता हो रहा है, इसको देख के तो लग रहा है कि एथेंस से पहले नहीं रुकेंगे सब। अरे हजा, देखो वहाँ पर कितना अच्छा सर्कस हो रहा है, चलो देखते हैं। अरे हाँ भूत भैया, चलिए देखना है क्या? लेकिन पॉकेट में तो पैसा हमारा नहीं है। लेकिन टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ पॉकेट में पैसा नहीं रखे तो क्या रखे हैं? अरे तुम्हारा दिमाग काम कर रहे हैं ना, तुम रुक मैं जा रहा हूँ। गोरिल्ला का हाथ जो मैं मेला से खरीद के लेकर आया हूँ, वो शायद मेरे काम आ सकता है। अरे गोरिल्ला का हाथ लेकर हाड़ा कहाँ जा रहा है? अरे यार मुझे देखना है वो हाथ कहाँ जा रहा है, जाता हूँ उसके पीछे, वो क्या करता है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, सर्कस वाला गोरिल्ला बाहर निकल गया है, अब मैं भाग रहा हूँ। यही मौका है, अब मैं टिकट लेकर सीधा घुस जा रहा हूँ सर्कस में। अरे हाड़ा, तुम हमें नहरे जाओ को देखने के लिए, तो ये मैं सारा बात सबको बता दूंगा और पर्दा फाश जाकर मैं कर दूंगा। तुमको छोड़कर मैं अकेला जाऊंगा देखने के लिए, ये कैसे हो सकता है? अरे तू ही तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अरे हाड़ा सारे बातों को यहीं पे छोड़ दे और चल जल्दी सर्कस देखने के लिए चलते हैं अंदर। कितना अच्छा सर्कस देखने के लिए मिला है हाड़ा।
इतना अच्छा सर्कस देखे, इसके बाद और भी कुछ मिल जाए अच्छा खाने के लिए तो उससे भी अच्छा होता। ठीक बोला ना बुद्ध भैया? लेकिन खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अरे भोदू भैया, पैसा का क्या बात है, ये मेरे हाथ काम आएगा ना। जरूर जरूर। अरे भोदू भैया, आप देखते जाइए ये हाथ का कमाल। अरे भोदू भैया चलो, वो जो सामने रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है उस रेस्टोरेंट के पीछे चलते हैं। काले मिले आई हार हरि में, काले मिले आई हार हरि में। अभी देखो बाबाची को मजा मैं कैसे चिखाता हूँ, देखते जाओ। मजा उठैया चल के नहर। अरे माम रे माम, ये क्या आ गया रे। अरे भोदू भैया, सचमुच ये चिकन का बाटी हम लोगों का हो गया। अरे वाह, खाना देख कर तो हमारा जीभ में से पूरा पानी आ गया। अरे भोदू भैया, जीभ का पानी तो पहले खा लो उसके बाद खाना। इसका मतलब? अरे भोदू भैया, सर्कस तो मैंने आपको फ्री में ही दिखाया, मगर ये खाना आप खाओगे तो सेहत आपका बिगड़ सकता है। अच्छा तो भोदू भैया, मैं यहाँ से अब चलता हूँ, ठीक है ना? हाजा, तो ये काम हमसे बिल्कुल ठीक नहीं किया है, वो अकेले ही लगता है सारा खाना खा जाएगा। ठीक है, तब भी उसका पीछा करता हूँ, कहाँ गया है। आ, क्या अच्छा चिकन है, थोड़ा सा बचा है इसको भी खा जाते हैं हम। अरे भोदू भैया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा ही गोरिल्ला का हाथ लेकर तुम मुझे डरा रहे हो, ये काम तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे छोड़ो ना भोदू भैया। अरे बाप रे बाप, कोई है जो मुझे बचाएगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बचाओ हमें बचाओ। आज तुमको कोई नहीं बचाएगा हाडा। अरे इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम जा इस बार सर्कस में और इसके साथ सर्कस दिखा। तुम सर्कस से भाग कर यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हूँ। तुम वही लड़का है ना? ठीक है, तुम दोनों एक साथ मिल गया। ये दोनों को पकड़ कर पीना में बंद कर। अरे बाप रे बाप, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे बाप रे बाप। अरे गब्बू, मैंने तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो ना क्लब में कैरम बोर्ड खेलने। तुम्हारे क्लब में? वो कहाँ है क्लब? चलो ना, देख पाओगे, चलो तब। ये देखो, यही तो मेरा क्लब है। ये क्लब तुम्हारा है? मेरा तो ये मन कह रहा है कि ये बहुत पुराना घर है। क्या है पुराना है तो, लेकिन क्लब घर है तो। चलो कैरम खेलते हैं, चलो। रुको पहले ताला खोलें। अरे ये क्या, घर में से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सुन रहे हो? हाँ, कोई चोर डाकू नहीं ना घुसा है? अरे वो दिख, लगता है कोई सोया हुआ है और उसका लंबा लंबा दांत दिख रहा है। मेरा मन कह रहा है लगता है कि कोई वो भूत है, कंकाल की तरह शरीर है। अरे हाँ, राम 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 राम। अरे भाग 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 भाग, भूत है, जल्दी भाग भाग भाग, जल्दी भाग, भूत है भूत। अरे गब्बू, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हो? डर के मारे, डर के मारे। डर के मारे? कैसा डर? मेरे क्लब घर में एक बहुत बड़ा भूत सोया हुआ है, भूत। चलो चलो चल के देखते हैं। वो देखो, अरे
अरे रुक जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें देखो कैसे मजा चिखाता हूँ। तुम सब कौन हुआ? मैं अच्छा खासा सो रहा था, लाइट जला के मेरा नींद खराब कर दी। अरे भूत बाबा, तुम यहाँ सोए हो, ये क्या तुम्हारे सोने का जगह है क्या? तेरा हिम्मत तो बहुत है, मेरा कच्चा नींद तोड़ दिया। हाँ अरे चुप चुप, तुम यहाँ से जाओगे या कि मैं दूसरे रास्ते से तुमको भेज दूँ यहाँ से? बड़ा बड़ा तंत्रिक मुझको देख कर भागते है और तू हमें धमकी दिखाता है। रुक जा, तुझे मैं मजा चखाता हूँ। अरे सब सत्यानाश हो गया, पता नहीं आज टब्बू को क्या होगा। आज मैं अपना हाथों से तेरा गर्दन मरोड़ कर खून पी जाऊं। ओम टर छुक छुक, हाथ गल जा टर छुक छुक। अपना गला हुआ हाथ से मेरा गर्दन कैसे मरोड़ोगे, खून कैसे पियोगे? अरे ये क्या हो गया, मेरा हाथ गलते जा रहा है, ये क्या? तुम मुझे डराए हो, ये उसी का सजा है। अब रहो तुम ऐसे ही ऐसे रहो। मेरा हाथ ठीक कर दो, मेरा मैं जीवन में किसको डर नहीं दिखाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, कभी इधर कदम नहीं रखूंगा, मुझे छोड़ दो, मेरे को ठीक कर दो। ये लो, अब पहले तुम्हारा हाथ ठीक कर दूं। ओम छर छुक छुक छुक, पहले जैसे हाथ ठीक हो जाए छुक छुक। अब लो तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, घर छोड़ दो। मैं अभी भगता हूँ। अरे वाह, टापू के जादू विद्या से हम और हम लोग का क्लब भूतों के हाथ से बच गया है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।